दोस्तों मेरे पड़ोसी के साथी ने एक बहुत ही गुड सवाल किया कि बोला कि संतोष भैया, जितने भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट वाले हैं, ये सेकेंड हैंड मोबाइल लेते हैं और हम लोग को थोड़ी ही मोबाइल माने थोड़ी ही दाम पे देकर और हम लोग मोबाइल ले लेते हैं, यानी सेकेंड हैंड मोबाइल देकर और नए मोबाइल कुछ ही पैसे पर हम लोग ले लेते हैं। जैसा कि आप लोगों के भी मन में सवाल उठता होगा, कभी कभी आप लोग भी सोचे होंगे दोस्तों कि आपके मन में ये सवाल उठा होगा कि नहीं, आखिर ये फ्लिपकार्ट वाले या ये अमेजोन वाले क्या करते हैं, क्या करेंगे, आखिर सेकेंड हैंड मोबाइल लेकर क्या करेंगे। तो उनके पास ये बहुत ही यूज का सामान है दोस्तों, जो मैं आप लोगों का इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। मेरे प्रिय मित्र ने बहुत ही एक गुड सवाल किया, तो सोचा मैं भी आप लोगों के साथ ये इस बात को साझा कर दूँ, शेयर कर दूँ, ठीक है ना। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं, बहुत ही सुंदर गुड सवाल है दोस्तों, इसको आप लोग मन में अच्छी तरह बैठा लीजिएगा। और क्या है कि अमेजोन वाले और फ्लिपकार्ट क्या करते हैं कि सेकेंड हैंड मोबाइल लेकर उसको क्या करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में अपने जो भेज देते हैं, जिस भी कंपनी का मोबाइल हो, चाहे वो रियलमी का हो, सैमसंग का हो, ओप्पो का हो, वीवो का है, टेक्नो का भी, जो भी जिस प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट हो, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग में भेज देते हैं। और उस कंपनी में जब मैन्युफैक्चरिंग में जाता है तो वहां का जो भी बंदा होता है उसको रिसर्च करता है, सर्च करता है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, आखिर ये मोबाइल यूज करने योग्य है कि नहीं है। यदि हमारा टच स्क्रीन खराब है या हमारा कैमरा खराब है या अंदर का कुछ भी पार्ट्स गड़बड़ी है, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा रिपेयर कर देते हैं, और रिपेयर करने के बाद फिर से दोबारा क्या करते हैं कि मार्केट में उतार देते हैं बेचने के लिए बहुत ही कम प्राइस में। हम जैसे ही बहुत खरीदने वाले दोस्तों हैं जो कम प्राइस पर मोबाइल खरीदते रहते हैं, और उनको दरकार भी, जिनके पास कम पूंजी रहता है, कम पैसे रहते हैं, वो लोग खरीद लेते हैं माने। तो आज इसी के बाद में हम लोग आपको बताना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए, तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या होता है दोस्तों, कि मोबाइल में बहुत ही काम की चीज़ है, उसमें हम लोग को पता नहीं चलता, बहुत छोटा छोटा कण भी होता है जिसको हम लोग नहीं जान पाते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं, कुछ जान जाते हैं, उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हैं जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं। आज की डेट में तो सारा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है। तो क्या है कि वो लोग क्या करते हैं कि उसमें एक एक से प्रोसेसर लगा रहता है, जो कि मेटल का होता है, गोल्ड का लगा रहता है। तो यदि गोल्ड का है, मेटल का है, तो लोग अपने यूज में कर लेते हैं क्या, या उसको बेच देते हैं, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलता है बेचने के बाद, या उसका जितना भी पार्ट्स है अलग अलग मोबाइल में उसको यूज कर जाते हैं। यदि नहीं बेचने जो है, रिपेयर करने योग्य नहीं है, तो उसका सारा पार्ट्स को निकाल लेते हैं, कंपनी वाले फैक्ट्री वाले निकाल लेते हैं, और फिर उसको दोबारा उसको क्या करते हैं, दूसरे मोबाइल में डाल के उसको यूज कर लेते हैं, नया मोबाइल बना देते हैं, और उसको फिर रिपेयर करके फिर दूसरा मोबाइल बना लेते हैं, फिर अपना मार्केट में उतार देते हैं, फिर उसी को हम लोग खरीदने लगते हैं, दोस्तों। तो इसी के बारे में आप लोगों को हम लोग को बताना था आज को, कि आखिर सेकेंड हैंड मोबाइल लेकर अमेजोन और फिर क्या करते हैं। बहुत से सारे ई कॉमर्स के साइट के वेबसाइट है कि जो सेकेंड हैंड मोबाइल लेते हैं और कुछ ही पैसा हम लोग देकर न्यू मोबाइल ले लेते हैं, तो हमारा भी फायदा है दोस्तों, उन लोगों का भी फायदा है, क्योंकि हमारा भी फायदा है, हमको भी क्या होता है कि सेकेंड हैंड मोबाइल देकर न्यू मोबाइल मिल जाता है, नया मोबाइल मिल जाता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग आप लोगों को हम बताना चाहते थे, जो सो बता चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटा को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, चूँकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।